स्ट्रेट बालों का लुक किसे पसंद नहीं है, लेकिन हम डैमेज नहीं होने देना चाहते हमारे बालों को। स्ट्रेटनिंग करवाना चाहते हैं लेकिन उतना खर्चा नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नॉट टू वरी। मैं आप सब में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिक एज वेल एज मेथड, जिसकी हेल्प से ना सिर्फ आप आपके बालों को अच्छे लंबे टाइम तक स्ट्रेट कर पाएंगे, बल्कि आप आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे, बिल्कुल टेक्सचर वैसा ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल और आज मैं आप सब में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप आपके बालों को घर पे ही स्ट्रेट कर सकते हैं यूजिंग अ फ्लैट आयरन और अ स्ट्रेटनर। यहाँ पे जो स्ट्रेटनर मैंने यूज किया है इसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप चेक करना चाहते हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सैलून से भी ज्यादा घर पे बालों को स्ट्रेट करना ज्यादा अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज सबसे पहले सैलून में लगता है भर भर के पैसा, और इस केस में पैसा कैसा, मतलब मुफ्त में इतने बड़े आपको रिजल्ट मिलते हैं। 80-90% लोग ना घर पे ही प्रेफर करते हैं, अब 10% होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा मे बी। देखिए पूरा जो A to Z प्रोसेस है वो मैं आप सब में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आपको आपके बालों पे स्ट्रेटनर चलाना है, कैसे यूज करना है। उससे पहले थोड़ा सा होल्ड देते हैं, जान लेते हैं ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल स्ट्रेटनिंग योर हेयर, कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। नंबर वन, स्ट्रेटनिंग एक है अननेचुरल प्रोसेस, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है जो आपके बालों को डैमेज करती है। इसी डैमेज से बचने के लिए मैं आप सबको शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक। उस ट्रिक का इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप आपके बालों को डैमेज से बचा पाएंगे, क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे, टेक्सचर वैसा का वैसा ही रहेगा, और दूसरी चीज ये जो स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस है वो इतना ज्यादा इजी हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दूसरी चीज है इसको आप डेली लेके मत बैठ जाना कि हाँ चलो स्ट्रेट करना है, ये ओकेजनली किया जाने वाला प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया सा वीडियो। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक, और अपने कर्ली बालों वाले फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उनको भी थोड़ा मजा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरे बालों का जो ओवरऑल अपीयरेंस है स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस को करने से पहले। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं मेरे बाल कुछ इस तरीके से दिखते हैं वंस आई हैव डन शैम्पू फॉलोड बाय अ कंडीशनर, जैसे कि हम नॉर्मली वॉश करते हैं हमारे बालों को। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूंगी, आप देख सकते हैं मेरी जो नए बालों की ग्रोथ है, मतलब जो मेरी न्यू ग्रोथ है उसमें हल्का सा वेव है, हल्का नहीं काफी अच्छा खासा वेव है। बेसिकली मैंने रिबॉन्डिंग करवाया था, लेकिन उसके बाद में भी कुछ एक चीजें होती हैं जो हमें फेस करनी होती हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो है हमारे बालों का पार्टीशन करना। नाउ ये वाला जो स्टेप है ये आप तब स्किप कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं जब आपके बाल छोटे हो या फिर पतले हो। यहाँ पे मेरे केस में मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं तो ज्यादा मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं सेफ साइड चल रही हूँ। हाफ सेक्शन को मैंने यहाँ पे टाई कर लिया है, रबर बैंड से सिक्योर कर लिया है। रेस्ट सेक्शन को मैं सबसे पहले रिटैंगल कर रही हूँ। नाउ यहाँ पे भी आपने रिटैंगलिंग सबसे पहले करनी है, वरना अगर आप नॉटेड जो आपके बाल होंगे उनमें नॉट्स होंगे ऑलरेडी तो स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके बालों का इतना सा सेक्शन लेके आपने सबसे पहले यूज करना है ये वाला ट्रिक, जो कि है यूजिंग अ एलोवेरा जेल। नाउ यहाँ पे मैं पतंजलि का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नेचुरल जो प्लांट वाला होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही बढ़िया होता है, मेरे पास है नहीं। थोड़ा सा आपने ये एलोवेरा जेल ले लेना है आपके फिंगर्स पे, हल्का सा इसको रब करिए, एंड देन आपको आपके बालों पे फुल लेंथ तक इसे लगाना है। नोट करने वाली चीज ये है कि आपको एलोवेरा जेल लगाने में 1% भी कंजूसी नहीं करनी है, काफी अच्छा खासा अमाउंट लगा के आपके बालों को टिप्स तक कोट कर लीजिए, कवर कर लीजिए। नजर डाल देते हैं जो स्ट्रेटनर मैं यूज कर रही हूँ। बाय द वे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा ब्रांड है जो शायद इंडिया में आपको मिले भी ना, लेकिन स्टिल मैं ट्राई करूंगी आपको लिंक इसका प्रोवाइड कराने का। दिस इज बाय VNG, ये फ्लैट आयरन है, बहुत ही अच्छा सा काम करती है। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, एक्चुअली माई ब्रदर गॉट इट फॉर मी, सो काफी अच्छा काम करता है, आई विल ट्राई एंड गिव यू। सो इसको जो टेम्परेचर वाइज आप सेट भी कर सकते हैं आपके बालों को जितना आप हीट देना चाहें उसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको बेसिकली 180 डिग्री पे यूज करना प्रेफर करती हूँ ताकि ज्यादा धुआं भी ना निकले, यू नो। सो आपको बिल्कुल आपके बालों को स्ट्रेट पकड़ के और इस तरीके से स्ट्रेट करना है। नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं यूजिंग अ कॉम एट दी एंड, लेकिन मेरे बालों की लेंथ थोड़ी ज्यादा है तो दोनों हाथों को एक हाथ में स्ट्रेटनर एक हाथ में कोम लेके चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है मेरे लिए।
एंड वैसे भी कहते हैं ना कीप इट सिंपल, तो मैं बहुत ज़्यादा यू नो खुद को परेशान करके या ट्रबल करके कोई भी चीज़ नहीं करती, और ख़ुद के लिए तो बिल्कुल नहीं, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको करना प्रेफर करती हूँ। अगर आपके भी बाल लंबे हैं तो जस्ट डू इट लाइक दिस, कोम को ऐड करने से कुछ एक्स्ट्रा आप फीचर नहीं आ जाता है आपके बालों की स्ट्रेटनिंग में, सो बी रेस्ट अश्योर्ड, और आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्लियरली सी जो डिफरेंस आपको दिख रहा है मेरे बालों में राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, वेल अभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरे एंड से कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। एनीवेज आपको ये वाला प्रोसेस यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, आपके बालों को इस तरीके से ये वाला जो चंक है आपके बालों का इतना लेना है। आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ये जो सेट जो मैंने चंक लिया है उतना ही आप स्टैंडर्ड चंक लें आपके बालों का। अगेन यू हैव टू रीटैंगल योर हेयर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, और उसके बाद में आपको एलोवेरा जेल यूज़ करना है। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। एलोवेरा जेल बेसिकली हमारे बालों को मॉइस्चर देता है। नाउ मॉइस्चर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ड्राई बालों में हम स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो मॉइस्चर ज़रूरी है। एज वेल एज हम बात करें क्योंकि हम डायरेक्टली हमारे बालों पर एक स्ट्रेटनर लगा रहे हैं, फ्लैट आयरन लगा रहे हैं, जो देखा जाए तो हमारे बालों को डैमेज कर सकता है, और इसी डैमेज से बचने के लिए मार्केट में बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो जो स्पेंड नहीं कर सकते उन हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे पे या फिर सेटिंग स्प्रे पे, उनके लिए ये बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है। एंड इनफैक्ट आप जो प्लांट वाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको इतना भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे बालों को मॉइस्चर देने के साथ साथ हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल उसी तरीके से रखता है और फर्दर डैमेज होने से बचाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जितने आपके बालों की लेंथ है उतना उसे दूर ले जाएं, ज़रा सा भी झुकाव या फिर बेंड नहीं आना चाहिए, वरना आपके बालों का जो ओवरऑल लुक है आफ्टर स्ट्रेटनिंग अच्छा नहीं आएगा। सो वो मैं भी नहीं चाहती, आप भी नहीं चाहते। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ सेम प्रोसेस, मेरे बालों को डिटैंगल कर चुकी हूँ, एलोवेरा जेल का लेप लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। एलोवेरा जेल को कोट करने से काफ़ी अच्छे खासा फायदे भी हैं, काफ़ी अच्छे सारे फायदे भी हैं। बालों को हल्का फुल्का मॉइस्चर देता है जो कि स्ट्रेटनर चलाने के लिए चाहिए होता है, तो आप प्लीज़ ऐसा करें। स्ट्रेटनर चलाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बालों को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है। मेरा मतलब है हल्का सा गीला, लेट्स से 20% गीला। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं, अपने शैम्पू किए हुए बालों में बिल्कुल गीले बालों में स्ट्रेटनर चलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे निकलता है बहुत ही खतरनाक वाला धुआं, जो कि एक साइन होता है आपके बालों को बहुत अच्छा खासा डैमेज करने का। सो बिल्कुल भी वैसी चीज़ ना करें। आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये वाली चीज़ें चल रही होंगी कि कोमल कैन वी यूज़ यू नो अ कंडीशनर, कैन वी यूज़ अ सीरम, जो हेयर सीरम होता है वो। देखिए यहाँ पे एलोवेरा जेल का मेन पर्पज़ है हमारे बालों को हीट से बचाना, जो कि सीरम नहीं कर सकता। सीरम का काम होता है हमारे बालों को एक्स्ट्रा स्मूदनेस और एक्स्ट्रा शाइन देना। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा स्मूदनेस या फिर शाइन की, तो देखिए स्मूदनेस और शाइन देखा जाए तो स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस खुद ब खुद ही कर देता है, लेकिन एडिशनल एक्स्ट्रा स्टेप है हेयर सीरम आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपने आपके बालों को अच्छे से सारे बालों को स्ट्रेटन कर दिया हो। नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये जो कितने टाइम तक हमारी स्ट्रेटनिंग हमारे बालों पर रहेगी। देखिए जो एलोवेरा जेल का ट्रिक था वो ना सिर्फ आपके बालों को मॉइस्चर देता है, हीट प्रोटेक्टिंग का काम करता है, बल्कि आपकी जो स्ट्रेटनिंग है उसको काफ़ी अच्छा खासा ड्यूरेबल भी बनाता है। मतलब ये तकरीबन आपके 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगी, और अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हैं तो ये आपका 5 to 6 days तक चल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी सिर्फ 5 या 6 दिन, तो देखिए आपकी जो स्ट्रेटनिंग है उसको और भी लंबे समय तक बना के रख सकते हैं। वो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं एक सेटिंग स्प्रे का, अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिक्स कर लीजिए एक पोर्शन एलोवेरा जेल का, 2 पोर्शन रोज़ वाटर का और 3 पोर्शन नॉर्मल वाटर का। इन तीनों को अच्छे से शेक करके आपके बालों पर स्प्रे कर लीजिए। एलोवेरा जेल अच्छा सा काम करता है सेट करने का आपके बालों को, और रोज़ वाटर में से आती है काफ़ी बढ़िया वाली खुशबू जो कि आपका काम चला देगा। एंड दैट्स ऑल, यहाँ पे मैंने कर ली है मेरे बालों की अच्छे से स्ट्रेटनिंग, आप देख सकते हैं फाइनल लुक ये है। एक मैं डिस्क्लेमर और देना चाहूँगी, डिस्क्लेमर नहीं लेकिन हाँ ठीक है छोटी सी वार्निंग है, वो ये कि आपके जो कानों के पीछे वाले जो सेक्शन होते हैं वहाँ पे आप बहुत ही केयरफुली करें। होता क्या है कभी कभी हम थोड़ा सा हर्ट कर बैठते हैं खुद को, यू नो जस्ट लुक थोड़ा सा ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाल हैं स्ट्रेट वो ज़्यादा शाइनी लगते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, एंड दैट इज़ हाउ ईजी दिस प्रोसेस इज।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा और जो ट्रिक मैंने आप साथ में शेयर किया वो वाला काफी यूजफुल. इस ट्रिक का इस्तेमाल करके जब आपके बालों को स्ट्रेट करें तो प्लीज आपका जो फीडबैक है वो जरूर शेयर करिएगा. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके फीडबैक को पढ़ के. और हाँ, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप ही का नुकसान है, आपको वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा. आपने ये वाला वीडियो शेयर भी करना है आपके फ्रेंड्स के साथ में, और पसंद आया ये वाला वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा. मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अमेजिंग अगले वीडियो के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच. बाय.